कोटा। दुष्यंत सिंह गहलोत। ससुराल में आकर अधीर ने अज्ञात भोजन का सेवन कर किया सुसाइड। कोटा, 11 अप्रैल। रामपुरा कोतवाली थाना क्षेत्र के लादपुरा इलाके में एक 48 वर्षीय व्यक्ति ने अपने ससुराल में आकर अज्ञात कोई जहर का सेवन कर दिया, जिससे MBS अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक कमल अग्रवाल उस पत्नी के बीच कुछ सालों से अनबन चल रही थी। पुलिस मामले की जांच में कोतवाली थाना पुलिस के अनुसार मृतक कमल अग्रवाल 48 पुत्र चंद्र मोहन अग्रवाल निवासी दीनदयाल पार्क बारान का रहने वाला है, जिसकी शादी कोटा में रामपुर इलाके के लादपुरा प्रताप चौक में 22 साल पहले हुई थी। मृतक कमल अग्रवाल के एक 15 वर्षीय लड़क तथा 20 वर्षीय लड़की है। पति पत्नी के बीच अनबन के चलते एक महीने से पत्नी अपने पीहर में ही रह रही थी। 3 दिन पहले बेटी की तबीयत खराब होने से पत्नी जयपुर गई हुई थी। कमल अग्रवाल रविवार सुबह कार से कोटा पहुंचे थे, जहां घर पहुंचने पर अचानक उन्हें उल्टियां होने लगी, जिसके बाद कमल अग्रवाल का साला उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उपचार के दौरान मृत घोषित कर दिया। महिला पक्ष के महिला के पिता भाई कमल अग्रवाल दीनदयाल पार्क 12 के रहने वाले थे, जिनकी ससुराल अपने प्रताप चौक रामपुरा में थी। कल ससुराल में आए थे, इन्होंने नॉन फूड पॉइजन खा लिया, उसके दौरान इलाज मृत्यु हुई। सर, इनकी जेब में खाली डिब्बी मिली हुई थी खाली सेल्फ पोस्ट की, इसकी जानकारी नहीं है। जांच का विषय, कहां से लिया इसने भोजन, कहां खरीदा, कहां खाया, ये इसकी जानकारी। कोई कारण अब भी कोई कारण सामने नहीं आया। जांच में जो कारण सामने आएंगे क्लियर हो जाएंगे। उनकी यहीं पे थी, पियर में उनके यहाँ, उनकी बच्ची जयपुर पढ़ती है, वहां पे थी उस बच्ची के पास। यहां पर मिलने आए थे? हाँ, ससुराल मिलने आए थे, उनकी पत्नी जयपुर थी। आपका नाम और पद बताएं सर? कमलेश कुमार, SI, थाना कोतवाली, कोटा शहर। थैंक यू। ये सुबह 12 बजे करीब घर आए जी, और ऊपर गए, मैं दुकान पे था जी। तो इन्होंने ऊपर चढ़ के मेरी वाइफ ने इनको पानी पिलाया जी, और पानी पी के थोड़ी देर में ये उल्टियाँ करने लग गए, बस जस्ट पानी पीते उल्टियाँ करने लग गए, और सीढ़ियों में से उल्टियाँ करते हुए चढ़े थे ये, तो वाली बाल्टी पानी भर गया उल्टियों का। और फिर इन्होंने हमारे को फ़ोन किया दुकान पे। रामपुरा से। हाँ, थोड़ा बहुत डिस्प्यूट चल रहा था पहले से सर। अच्छा, अभी महीना भर मेरे पास है। अच्छा, आपसी झगड़ा, दोनों का आपसी झगड़ा, ये आपस में झगड़ते थे, मार देते ये कंवर साहब। कारण इसका नहीं है, बस उग्र स्वभाव है, उग्र स्वभाव से मारते थे। पहले भी मारी और मैं कोटा ले आया था, फिर 3 महीने समझा बुझा के भेज दिया, उसके बाद फिर इन्होंने अभी करा महीने भर पहले। फिर जयपुर पड़ रही है, बेटी जयपुर है और अपने गुड्डू यही उनका बेटा। क्या लगते हो आप? कोटा से खबर। नो एंट्री जोन में डंपर ने साइकिल सवार को मारी टक्कर, मौत। कोटा, 10 अप्रैल। शहर में नो एंट्री जोन लगने के बाद भी भारी वाहन सड़कों पर लोगों की मौत बंद कर बरपा रहे हैं। सोमवार सुबह एक तेज रफ्तार डंपर ने JDB सकिल के पास साइकिल से जा रहे व्यक्ति को टक्कर मार दी। दुर्घटना में साइकिल सवार चंद्रमोहन 55 पुत्र नंदलाल बेरवा निवासी अर्जुनपुरा बोरखेड़ा की मौत हो गई। नयापुरा थाना पुलिस के अनुसार मृतक चंद्रमोहन रात में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है, जो रविवार रात करीब 8 बजे घर से खाना खाकर ड्यूटी के लिए मित्तल होटल जाने के लिए निकले थे। सुबह ड्यूटी पूरी होने के बाद चंद्रमोहन साइकिल से अपने घर की ओर जा रहा था, इसी दौरान पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार खाली डंपर ने साइकिल सवार को कुचलते हुए निकल गया। दुर्घटना में साइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर नयापुरा थाना पुलिस ने मृतक के शव को MBS अस्पताल की मोर्चरी पर रखवाया, जहां मृतक की पहचान होने के बाद पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजन को सौंप दिया गया है। पुलिस द्वारा जानकारी में आया कि डंपर बूंदी का बताया जा रहा है, जो घटना के बाद जब्त कर दिया गया। पुलिस अनुसंधान कर रही। नाम चंद्रमोहन जी है, अर्जुनपुरा में रहते थे। क्या काम करते थे और कहाँ जा रहे थे? काम कर मित्र होटल पे ड्यूटी करते थे नाइट की गार्ड में। सुबह शाम को 8 बजे जाते थे, सुबह 8 बजे लौटते थे, जो सुबह 9:30 बजे यहाँ JDB कॉलेज के सामने नगर निगम ट्रोले वाले देवाड़ी। आपके परिवार में केरल लवी से देवी शंकर है, विजेंद्र है, 3 बच्चे भाई साहब।
हम दूसरा नंबर के भाई साहब, बहुत स्थिति बहुत गंभीर भाई साहब, घर कृषि का है, बहुत किसान आदमी, कृषि आदमी जब मजदूरी करता हूँ, पेट भरता हूँ, पापा भी हालांकि कुछ भी हालांकि नहीं करते थे ना, उनके काम से करते थे, पर उनको बच्चा बच्ची कौन पालेगा, काम में रहते हैं भाई साहब। हम कार्य कहना चाहेंगे कि वो ट्रॉली वाले ने, देवाड़ी नगर निगम वाले ने, क्योंकि मांग करते कुछ और तो भी नहीं तो हम तो खा लेंगे, पर उनके साथ घर वाली क्या करेगी क्या न करोगी, उनके हिसाब से दे उनका जी सर, नत कमाते नत खाते, 200 रुपये काम करते 200 रुपये नहीं बचते, क्या स्थिति है। नाम मेरा है लविश बेरवा, क्या लगते हो? मैं उनका बेटा लगता हूँ। तो प्राइवेट गार्ड है, सिक्योरिटी में नौकरी करता है, तो ये अपने बढ़ती राय से JDB कॉलेज की तरफ आ रहे थे, तरण ताल के कोने पे, वहाँ पे इनका एक्सीडेंट। सर चंद्रमोहन श्लोक नंदलाल जी है अपने अर्जुनपुरा के, सर एक खाली डंपर था पीले कलर का, काय का? सर खाली था। किसका था? नगर निगम का था। सर वो बूंदी का उन्होंने सर, ये किसे है? नो एंट्री जोन जगह है ना, नटराज।